अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना नया व्लॉग लेकर हाजिर हूँ, फुल डे अपनी छोटी बहन के घर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका नया घर बना है तो उसका भी आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये मेरी प्यारी सी खाला बेटी है जो हिना की सास है और मेरी सगी खाला है, बड़ी स्वीट है ये। एक खतीब भाई की अम्मी है, खतीब भाई से तो हम सब मिल चुके हैं, आज इनकी अम्मी से मिलने का आपको मौका मिला है। ये मेरी खाला है, बड़ी मोहब्बत वाली है, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका साया हम पर हमेशा बना रहे, आमीन। तो जी ये हिना का हॉल है और थोड़े से कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये सूख रहे हैं। एक्चुअली बारिश आ रही थी तो इधर उधर से सुखा सुखा कर हम लोग रख रहे थे। और थोड़े से जो आपको पसारे दिख रहे हैं वो भी मैं डानी बाकी है। और ये जो है हिना के घर पर पंजतन पाक की गादी है, इनका दीदार कर लीजिए। यहाँ बहुत सी दुआएं मांगी जाती है और ये पूरी भी करते हैं, अल्लाह आप सबकी मुरादें पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा हिना के घर पे आज रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन खतीब ने क्या कर दिया कि हम लोगों की टिकट को कैंसिल करवा कर एक दिन और बढ़ा दिया और हमें ज़बरदस्ती से अपने घर लेकर आए। क्योंकि इस बार मैं उसके घर पर एक रात भी नहीं रुकी थी और उसने मेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाया था। तो ये हमारी बैग्स वगैरह इधर ही पड़ी हैं और आसमां से मैंने कहा कि तो माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत घर बनाया है, अल्लाह इनको कामयाब करे और इसमें रहना नसीब करे। आज इन्होंने फ्लैट बनाया, अल्लाह इन्हें बंगला भी अता करे, आमीन। तो यहाँ पर रुकूँ या नहीं रुकूँ इस वजह से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, तो खैर वो बात तो हम बाद में करेंगे। तो आज आप हिना का घर देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत बनाया है इसने। ये हॉल का व्यू है और ये किचन का है और ये किचन की खिड़की है, देखिए बाहर से बहुत प्यारा लग रहा है ये घर। तो ये आसमा जब इसकी शूटिंग उतार रही थी तब मुझे बाज़ार जाना पड़ा क्योंकि खतीब और बच्चे हिना सबको मुगलाई चिकन राइस खाना था, तो फिर उसकी तैयारी मुझे करनी थी। तो फिर मैं और छोटी बहन जाके बाज़ार से सब उसका सामान लेकर आए हैं और फिर मैं उसके धोकर रखी हूँ, फिर मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताती हूँ। ये एक बेडरूम है जो अली और अर्श का है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है कमरा इनका भी। तो मैं भी आपको पर्दे हटा कर भी बता देती हूँ, ये बाहर का व्यू देखिएगा आप, बड़ा प्यारा है। और जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर बहुत शांति है, बड़ा सुकून मिलता है इनके घर पर आकर भी। तो इन लोगों ने अपने घर का कॉम्बिनेशन ब्राउन और आइवरी पे किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, ये देखिए आप। तो यहाँ पर हम जब भी रुकते हैं तो हम अली अर्श के रूम में ही आसमा और अजीमा एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उनको उनके पास ही सुला देते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जो हम नहीं करते हैं उसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है, तो उसका क्लियरिफिकेशन भी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा उदास हो जाती हूँ। मगर खैर छोड़िए, अल्लाह पर सब छोड़ देते हैं। और ये देखिए हिना का कमरा है माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत सा कमरा है देखिए। तो ये घर बनवाने में खतीब की बड़ी मेहनत लगी है और उसने अपनी पसंद से ये घर बनवाया है, सारी चॉइस उसकी है, माशाल्लाह खूबसूरत भी लग रहा है। बस अल्लाह इनको हाजी नमाजी और नेक बनाए और इनका मुस्तकबिल भी संवारे अल्लाह ताला। तो देख लीजिए आप घर, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। और ये हॉल का है जो एक झूमर लगा हुआ है वो शेड बदलता है माशाल्लाह से। तो काफ़ी सारी LED लाइट्स है, ये सब लाइट्स से एक्चुअली ना रात को ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ये हमारी आसमा को चैन नहीं आ रहा था तो उसने सारी लाइट्स से ऑन कर दी है। और ये देखिए उसने माशाल्लाह भी लिखवाया है। तो ये देखिए अब मैं चिकन बनाने लगी हूँ, तो ये मैंने कल बनाना है तो मैंने आज इसे मैरिनेट करना है। तो ये देखिए मैं मैरिनेट करने लगी हूँ, बड़े मज़े का चिकन बनता है और राइस अलग से बनाते हैं हम इसके साथ और फिर उसको असेंबल करते हैं चिकन के अंदर, अच्छे से सजाते हो, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो इसका प्रोसेसर ज़्यादा है और आपको इसकी अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी। तो फ़िलहाल तो आप बस ऐसे ही देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो हम लोग मार्केट से दो चिकन लेके आए थे,
और उसमें सिर्फ हमने कट्स लगवाए थे क्योंकि हमें अम्मी के घर भी भेजना था। तो एक्चुअली मैं इतने दिनों से अम्मी के घर थी, तो हिना के घर काफ़ी सारी डिशेस आ रही थी, तो वो कह रही थी कि अम्मी के घर भी मुझे भिजवाना है आपा, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बना दो। तो अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ, तो ये अब मैं तैयारी करने लगी हूँ। और मुझे खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है, और मज़ा तब ज़्यादा आता है जब खा कर लोग तारीफ़ें करते हैं, तो मैं खूब तारीफ़ें बटोरने लग जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चलिए अब चिकन की मालिश करते हैं और उससे अच्छे से मसाला अंदर पैवस कर देते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। और ये मैं 7 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी, जितना मैरिनेट अच्छा होगा उतनी आपकी चिकन अच्छी बनेगी। तो जब मैं भावनगर गई थी तो मुझे 4-5 लोगों ने ऐसा कहा था कि आप ये क्या करते हो यूट्यूब पर और सब छोटी छोटी बातें बताते हो। तो भाई ये मेरा व्लॉग है और मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो जिसको पता नहीं है शायद उन्होंने देखा नहीं होगा पहले, तो प्लीज़ वो ज़रूर यूट्यूब पर किसी का भी व्लॉग देखें और सर्च करें, तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो अब हमारे देखिए मम्मा दर्श कुछ पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहे हैं, गा रहे हैं। अर्श और अली स्कूल जा रहे हैं, उनको हमने रेडी कर दिया है। तो बेटा आप कामयाब रहो और खूब तरक्की करो, ऐसी दुआ है मेरी, आमीन। तो चलिए जनाब, हमारा चिकन राइस बिल्कुल रेडी है और बड़े मज़े का बना है, सबसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो मैंने इनको सर्व कर दिया है और ये मज़े ले लेके खाएंगे और मैं तारीफ़ें बटोरूंगी। दर्श जो गा रहे थे ना, वो मैंने उसको पिछली बार पोएम सिखाई थी कि चंदा मामा दूर के और दाल रोटी चूर के और मैं खाऊंगा पेट भर के। उसे दाल रोटी बड़ा पसंद है और उसी से मैंने उसको सिखाया था कि अब ऐसे गा गा के आप खा लेना। मेरी लड़कियां बड़ी हो गई हैं और मुझे अर्श के साथ बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। तो आप भी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी मासूमियत को देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।